164, देन स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा, राइट? तो स्लोप फॉर्म में ही मुझे नॉर्मल लिखने हैं, राइट? y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, एंड ये इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, राइट? नाउ बोले प्लीज क्या किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा 164, कोई हेल्प करे मेरे को प्लीज। सर पैरामेट्रिक से कर सकते हैं। पैरामेट्रिक से, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई पैरामेट्रिक से, मतलब t2 इक्वल टू माइनस 2 बाय t1 माइनस t1, वो पॉइंट था जो नॉर्मल का, राइट? और दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो वहां से t की वैल्यू आ जाएगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और कोई सही होमोजेनाइजेशन का केस, वेरी गुड, ये परफेक्ट केस है होमोजेनाइजेशन का, राइट? क्योंकि 0 0 पर 90 बन रहा है, राइट? y माइनस mx अपॉन माइनस 2am माइनस am क्यूब, राइट? इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसे इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, एंड इसमें कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ y स्क्वायर दोनों को जीरो करते ही आपको जो चाहिए वो आंसर मिल गया। पैरामेट्रिक से भी चलेगा, बट ये परफेक्ट मेथड कहलाएगा ना। कोफिशियंट ऑफ y स्क्वायर इज 1, कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर इज 4am अपॉन 2am प्लस am क्यूब इज इक्वल टू 0, राइट? ओके, 164 नोट कर ले जल्दी से। सो माइनस 4 am है ना? हाँ, यहां से माइनस निकाल के इसको प्लस कर दिया बेटा, यहां से जो नीचे था ना माइनस, उससे प्लस कर दिया उसको। वो तो समझो माइनस, डन? यस सर। 165, किसका डाउट जा रहा है 165? Whose doubt is this? Normal from any point to the parabola x square is equal to 4y, right? हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या था? y square is equal to 4x. इस समय normal का equation होता है y is equal to mx minus 2m minus am cube, right? इस समय normal का जो equation होता है, right? Case 2 जो है, उसमें नॉर्मल के लिए हमने क्या रखा था? x और y क्या करने का बोला था मैंने? x और y इंटरचेंज, m की जगह 1/m, ये आ गया इसके लिए, राइट? क्यूब है ना, राइट? ये नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। फिर से बोलूं या ठीक है सभी को? एक्स और वाई को इंटरचेंज किया और एम की जगह कर दिया 1/m, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ए की वैल्यू 1 गिवन है, एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2 माइनस 1/m स्क्वायर, राइट? अच्छी बात क्या है कि बोलता है ये इफ द नॉर्मल फ्रॉम एनी पॉइंट, राइट, कोई भी अल्फा बीटा से पास करता हुआ होगा, राइट, कट्स द लाइन y इज इक्वल टू 2-3 पॉइंट्स, राइट? तो y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 जैसे मैं पुट करूंगा एम क्यूब एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, यही कुछ आ जाएगा,
राइट। तो x की जो वैल्यू है अगर फर्स्ट x1 के लिए है तो माइनस वन बाई एम वन क्यूब, सेकेंड के लिए माइनस वन बाई एम टू क्यूब, माइनस वन बाई एम थ्री क्यूब। बोलता है ये जो है ये एपी में, राइट, टू बाई एम टू क्यूब इजिकल टू वन बाई एम वन क्यूब प्लस वन बाई एम थ्री क्यूब, राइट। और हम लोग क्या जानते हैं, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री की वैल्यू जीरो होती है। तीनों इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इन रिलेशन आपके पास है ना, ठीक है। 165, शायद 166 भी एक बार देख लें था या नहीं था, 166, who's doubted this, 166, मेरा डाउट है। क्या दिक्कत हो रहा है बेटा? उसके जगह पर देखो यहाँ पर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर इजिकल टू फोर ए वाई है, तो क्या होता, एक्स इजिकल टू वाई बाई एम माइनस टू ए बाई एम माइनस ए बाई एम क्यूब, ऐसा फॉर्म में होता। यस सर, राइट। सो एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो स्लोप यहां पर जो गिवन है मेरे पास, स्लोप वो क्या फॉर्म में दे रहा है, वन बाई एम। जो इक्वेशन जो मेरे को गिवन है, एक्स इजिकल टू वन बाई, तो स्लोप क्या मेरे को लेना है, एम के जगह वन बाई एम, राइट। वो पुट कर देता हूं, देखता हूं क्या आता है। ठीक है, 167. The normal at this parabola again at this says that. तो ये तो अभी किया था, वही क्वेश्चन हो गया 167. Yes sir, अभी वो होमोजेनाइज से भी किया था हमने, और अभी एक बात भी हो रही थी कि ये दोनों अगर पॉइंट मेरे पास गिवन है, ये 90 है, तो दोनों का स्लोप मतलब ए टी वन स्क्वायर अगर रहता तो ये होता 2 बाई टी वन इंटू 2 बाई टी टू इजिकल टू माइनस वन, तो टी वन टी टू इजिकल टू माइनस फोर आ जाता, एंड टी टू इजिकल टू माइनस 2 बाई टी वन माइनस टी वन होता है, राइट। टी वन और टी टू की वैल्यू आ गई। यस यस सर, 163 ये है बेटा, विनीत। बेस इनटू हाइट लगाया है यहाँ पर, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट ना, एरिया, एंड टी की वैल्यू यहाँ पर वन होगी। 170, द डिस्टेंस बिटवीन अ टेंजेंट विच इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा एंड पैरेलल टू द नॉर्मल, राइट, इस पे क्या होगा। अल्फा एंगल पर ये होगा मान लेते हैं, राइट, मान लेते हैं कहीं इसी एंगल अल्फा से ये नॉर्मल बना होगा, राइट, मतलब स्लोप दोनों का एम सेम है,
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। किन का डाउट है ये, कौन हेल्प करेगा मेरे को? बहुत खास नहीं लग रहा क्वेश्चन पे। स्लोप के फॉर्म में इसका इक्वेशन क्या होगा? स्लोप एम दिया हुआ हो, एंगल दिया हुआ हो, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। सेकेंड वाले का क्या होगा? वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस ए एम क्यू। स्लोप के लिए यही दोनों इक्वेशन होते हैं, दोनों पैरेलल लाइन है। सो a by m plus 2am plus am cube upon under root of 1 plus m square. Right? और m की वैल्यू है tan theta. Right? Sin cos में चाहे तो चेंज कर दें। Okay everyone. ठीक है, चलो। सो ये रहा आप लोगों के डाउट्स ना, कल एग्जाम, कल ही एग्जाम है आप लोगों का ना? यस। अच्छा, कुछ लोग को याद ही नहीं लगता। हाँ, क्या आप चाहोगे मैं रिवीजन करवा दूं या इसके आगे मैं बढ़ सकता हूँ पैराबोला? जल्दी चैट पे लिखते हैं या बोल दें जल्दी से। कुछ आप लोगों को अगर रिवीजन में लग भी रहा हो तो आप लिख दें रिवीजन, किसी क्या चीज का चाहिए, टॉपिक कौन सा है, क्या चाह रहे हो अभी, उस हिसाब से मैं कर दूं या फिर मैं आगे बढ़ाता हूं पैराबोला। अभी तक हम लोगों ने जो किया वो नॉर्मल पर हम लोगों ने वर्क किया है, लाइक नॉर्मल ऑफ द पैराबोला। बट कोऑर्डिनेट में आप जैसे स्टार्ट करते हो तो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब में बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स आते हैं जिसे हम लोगों को करना इम्पोर्टेंट होता है एंड जिस पर बेस डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सो नॉर्मल एंड को नॉर्मल पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट किया था, राइट? नाउ सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल, राइट, जो आपको याद भी रखने हैं। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने किया हुआ है बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नॉर्मल फर्स्ट जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लूंगा जो किया हुआ है, राइट। नॉर्मल एट वन पॉइंट इंटरसेक्ट द कर्व अगेन एट अनदर पॉइंट। P पर नॉर्मल है जो Q पर कट किया, इसका पैरामेट्रिक T1 के लिए, इसका T2 के लिए है। T2 is equal to minus 2 by T1 minus T1। इसी में सेकंड ये आ जाता है, राइट, यहां से T1 एंड T1 प्राइम की डैश लिया हमने, T1 into T1 प्राइम की वैल्यू 2 होती है एंड T2 is equal to minus of T1 plus T1 prime.
ये दोनों हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है. फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स, दो नॉर्मल T1 एंड T2 पे लिए, वो अगर इंटरसेक्ट करेंगे फॉर पर्टिकुलर केस है y² = 4x के लिए, P T1 के लिए एंड Q T2 के लिए, राइट, दोनों नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं. 2a + a T1² + T2² + T1 T2 -a T1 T2 T1 + T2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल. ये याद रहे तो अधिक अच्छा है. कैसे आया? तो ऑब्वियसली दोनों की इक्वेशन को हमने लिखा और दोनों को सॉल्व कर दिया. Then ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ, इनफैक्ट होता कोनिक है बट पैराबोला मैं बता रहा हूं. एनी रे ऑफ लाइट coming parallel to axis of parabola after reflection through parabola passes through the focus. And vice versa. ये रहा पैराबोला, ये फोकस से पास करना है.
ये अज्यूम कर लेता हूं टेंजेंट है, राइट, एंड ये लाइन अज्यूम कर लेता हूं नॉर्मल, राइट right. ये जो डायरेक्ट्रिक्स कट करती थी वो वाली एम, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सो पीटी इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ angle SPM and PN is external angle bisector of the same angle thus. ये इलिप्स में भी काम करेगा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, हर जगह पर काम करेगा. ये याद रखना, और भी प्रॉपर्टीज होते हैं जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी चाहिए. ठीक है, एक मिनट सर. Done. Done everyone. Yes. Next हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं सर्कल एंड पैराबोला. अगर एक सर्कल पैराबोला को कट करे तो मैक्सिमम कितनी बार कट कर सकता है? अगर एक सर्कल पैराबोला को कट कर रहा हो तो मैक्सिमम कितनी बार कट कर सकता है?
फोर टाइम्स कट कर सकता है ना, और मिनिमम जीरो राइट। अगर चार बार कट कर रहा है सर्कल एंड पैराबोला एक दूसरे को, तो इसके चार रूट्स होने चाहिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं तो राइट। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। बस आइडिया के लिए मैं एक छोटा सा यहां पर वर्किंग आपको करके दिखा रहा हूं राइट। कि मैंने एक ये पैराबोला लिया एंड पैराबोला अपना सिंपल वाला ही लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, सर्कल एक जनरल सर्कल ले लिया। जनरल सर्कल का मतलब है, ये सब चीजें अच्छे से समझने की जरूरत है ना, यहां से ही इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं एडवांस के इन चीजों से। ये अब मेरे को ये चार पॉइंट के बिहेवियर के बारे में पता करना है, या इस पर क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होंगे राइट। एट फोर कॉन्साइक्लिक पॉइंट four concyclic points on parabola are possible and some of the ordinates will be zero। जल्दी से प्रूफ करके दिखाओ तो इसे। वेरी गुड केविन,
done. Sir, sum of the ordinates. Done. सिंपल कई तरीके हो सकते हैं, सिंपल सा मैं बताऊं। फिर यहां पर आप देखो 8t² 2, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, उसमें t1 t2 t3 t4 जो भी आप बोलो रख सकते हो। अगर मैंने ये रख दिया इस इक्वेशन के लिए a² t^4 ध्यान देखिए, देखो तो टी क्यूब का कोफिशियंट आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0, राइट। टी क्यूब का कोफिशियंट 0 आने का मतलब क्या हुआ, इस सम ऑफ द रूट्स आपके पास 0 आएंगे, और वही तो है ऑर्डिनेट्स। टी क्यूब का कोफिशियंट नहीं है मतलब t1 इसे 2a से मल्टीप्लाई कर दें, वही होगा। इस तरह के काफी क्वेश्चन। अब अच्छा एक बात बोलो कि अगर मैं इसी क्वेश्चन में करता कि ये एक सर्कल है, एक पॉइंट पर टच कर रहा है, दो पॉइंट पर कट कर रहा है, क्या डिड्यूस करते, क्या डिडक्शन होता आपका उसमें? सर तीन रूट्स होते हैं। सोच के बोले सर, आप क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं? सर्कल टचेज द पैराबोला एट अ पॉइंट एंड इंटरसेक्ट द पैराबोला एट टू पॉइंट्स। क्या कर रहे हो, तीन रूट्स थोड़ी होंगे, होंगे तो चार ही रूट्स, दो रूट होंगे, मतलब 2 t3 t4। ठीक है ना, एक तो ये हुआ सर्कल के साथ। उसके बाद सेकंड यहां पर, थर्ड यहां पर ये रहता है, जब टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों को मिलाया जाता है, कैसे? प्रूव दैट द टू पैराबोलास y² = 4ax एंड y² = 4cx - b cannot have a common normal other than the axis unless b/a - c < 2. मैंने प्रूफ दैट ही दिया है कि थोड़ा सा आपको रहे कि एग्जैक्टली फिगर आउट कर सके कि क्या करना है ना, नॉर्मल एंड टेंजेंट दोनों एक साथ। टेक योर टाइम।
Very good, Amog. ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, बट वर्किंग जो है दोनों में कॉमनली स्लोप के फॉर्म में लिखते हुए आगे बढ़ते जाए, अपने आप आंसर तक आप पहुंच जाओगे। केविन, वेरी गुड। विनीत, वेरी गुड बेटा, मेरी एक्सपेक्टेशन अधिक थी और कुछ लोगों को यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए। लास्ट 2 मिनट्स फॉर यू। कॉमन नॉर्मल मतलब दोनों एक ही नॉर्मल दोनों पर काम कर रहे होंगे, एक ही स्लोप। वेरी गुड। मैं स्टार्ट करूं। डायरेक्ट क्वेश्चन कहूंगा इसे कैसे। फर्स्ट इक्वेशन पे नॉर्मल का इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। सेकंड पर आएगा y इज इक्वल टू m x माइनस b माइनस 2cm माइनस cm क्यूब। राइट, दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखें, y इज इक्वल टू mx माइनस mb माइनस 2cm माइनस cm क्यूब। राइट, ये दोनों कंपेयर करूं, माइनस 2am am क्यूब इज इक्वल टू माइनस mb माइनस 2cm माइनस cm क्यूब। c माइनस a m स्क्वायर m क्यूब कैंसिल कर दिया एंड ये गया माइनस बी प्लस 2a माइनस सी। राइट, एम स्क्वायर होने का मतलब हुआ ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए अगर रियल रूट्स होने हैं जो आपको चाहिए था। नोट डाउन प्लीज। डन एवरीवन, नोट कर लिए हैं। सर वो लास्ट में -2 आएगा ना, क्योंकि c माइनस a माइनस c है।
एस माइनस टू होना चाहिए। If a square greater than 8b square, prove that a point can be found such that the two tangents from it to the parabola y square is equal to 4ax are normals to the parabola x square is equal to 4by. So again, a beautiful question, right? Tangent and normal, dono ko mila.
वेरी गुड. फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास यही है कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस. अगर ग्राफ प्लॉट हो जाता है तो ऑब्वियसली आधा से अधिक क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाएगा. लुक, दिस इज द एक्सिस, राइट. एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by. दोनों ड्रॉ करेंगे. ये क्या बोलता है, क्या है, किस पर टेंजेंट था? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. इस पर जो टेंजेंट होगा वो दूसरे वाले का नॉर्मल होगा. लेट सपोज समथिंग लाइक दिस, दिस इज अ ग्राफ, दिस ओके. ये इस ग्राफ पर दोनों तरफ से टेंजेंट है, राइट. और ये ग्राफ का मैं ज़ूम कर रहा हूं कि दोनों में नॉर्मल. मैक्सिमम 2 मिनट्स. मैं स्टार्ट मैं करूं, ध्यान दो. मेरे पास जो गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उस पर टेंजेंट की बात हो रही है, राइट. दो दो टेंजेंट होने चाहिए, राइट. सो पॉइंट इज फाउंड, मतलब यहां पर कोई पॉइंट होगा, राइट. पॉइंट इज फाउंड सच दैट टू टेंजेंट्स फ्रॉम दिस आर नॉर्मल टू द नेक्स्ट वन, राइट. सेम ही लाइन है जो नॉर्मल एक का है दूसरे का टेंजेंट है, राइट. इसी तरह के लैंग्वेज के साथ में रहेंगे. अगर टेंजेंट है तो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होगा, लेकिन नॉर्मल है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by. वी नो दैट ये होता है वाई इज इक्वल टू एमएक्स प्लस 2m प्लस ए एम स्क्वायर, बट इंटरचेंज हो जाएगा एक्स और वाई, एम की जगह 1by m. याद रखने का अच्छा तरीका आपको ये रहेगा, राइट. या इसी को लिखने का तरीका
माइनस माइनस दोनों माइनस हो गया राइट, ये माइनस चला गया तो ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टू बी बाई एम प्लस बी बाई एम क्यू राइट। इसके लिए नॉर्मल का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टू बी एम मल्टीप्लाई कर दिया टू बी प्लस बी बाई एम स्क्वायर। इज दिस ओके? यहां तक में किसी को कंफ्यूजन या डाउट हो यू कैन आस्क प्लीज। सर यस सर, हम बस नॉर्मल के इक्वेशन में माइनस वन बाई एम डालेंगे ना। बताया था ना बेटा, जब भी इक्वेशन अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, सब लोग ध्यान से सुनना ना, और आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बी वाई में कन्वर्ट करना राइट। इसका केवल याद रखू वो होगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस ए एम क्यूब, ये होता है। एक्स और वाई को इंटरचेंज करना है एम की जगह वन बाई एम, मतलब एक्स और वाई इंटरचेंज, एक्स इज इक्वल टू 2b राइट, रीराइट किया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टू बी प्लस बी बाई एम स्क्वायर, एक्स वाई इंटरचेंज राइट, m को रिप्लेस किया वन बाई एम, ये दोनों में ही होगा। किसमें किसमें? टेंजेंट कर रहे हो तब भी और नॉर्मल कर रहे हो तब भी। इक्वेशन आप ये वाला है तब के लिए केवल याद रखें आपको ये लिखना है, एंड जैसे आपने इक्वेशन चेंज किया उसके लिए ये दो चेंजेस लाने होंगे। ओके ओके राइट, एकदम याद रखो, अच्छे से नोट कर लो इसे। इसे हटा देता हूँ यहां से, यहां लिखे दिया हूं। इसे नोट करें, फिर ऊपर वाले क्वेश्चन को एक बार खुद से ही सॉल्व करें। आप खत्म ही हो गया है बट फिर भी याद रहेगा। सर अभी सर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन बस, हाँ दोनों को कंपेयर कर दिया, वन बाई एम के लिए आ गई, उसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वेरी गुड। क्योंकि दो डिस्टिंक्ट है इसलिए डी ग्रेटर देन जीरो होगा, अदरवाइज डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता। हाँ सर डिस्टिंक्ट। Done everyone. ठीक है ना, देखना नॉर्मल एंड टेंजेंट दोनों को एक साथ में कैसे वर्क करना है। हो कोई को किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा, अगर पूछना चाहते हो एक बार देख लो, आगे बढ़ सकता हूं नहीं तो। नेक्स्ट, अब बहुत छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है जो आपने पहले भी पढ़े हुए होंगे सर्कल में, बट हर जगह पर ये चीजें यूज होने लग जाती है, सो हमें ख्याल तो रखना ही होगा राइट। फर्स्ट स्टार्ट में कर रहा हूं पेयर ऑफ
टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट को हम लोगों ने वैसे भी अगर पॉइंट आउटसाइड दिया हुआ है तो ख्याल करें हम लोगों ने वैसे भी देखा हुआ है कि अगर बाहर के पॉइंट से मुझे दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, अगर बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं जो भी पॉइंट अगर अल्फा बीटा है तो व्हाट आर द इक्वेशंस, उसके लिए हम लोगों ने जो रखा था वो ये रखा था कि लाइक वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम रख दूंगा, फिर बीटा इज इक्वल टू एम अल्फा प्लस ए बाई एम रख दूंगा, एम के लिए क्वाड्रेटिक आएगा, एम की दो वैल्यूज आ जाएगी राइट, तो दोनों इक्वेशन आपके निकल जाएंगे। ये तरीका हमारे पास ऑलरेडी है, बट एक ये हैश लगाने का मतलब ये होता है कि ये तरीका आप हर जगह पर यूज कर सकते हो, लेकिन पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए हमारे पास यूजुअल फॉर्मूला होता है एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जहां पर एस का मतलब होता है यहाँ के लिए वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स, या जो भी कर्व का इक्वेशन है वो, एस वन का मतलब होता है बीटा स्क्वायर माइनस फोर ए अल्फा राइट, टी का मतलब होता है बीटा वाई माइनस टू ए एक्स प्लस अल्फा राइट, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये सभी में लगेगा, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, हर जगह पर, बट कोशिश करना कम से कम इसे यूज करने का जो ऊपर में बताया हूं उसे ही आप यूज करें, अधिक आसान रहेगा और अधिक अच्छा रहेगा। आप चाहोगे तो इसका प्रूविंग मैं इलिप्स में जब करूंगा तो इलिप्स में एक बार मैं डिटेल में प्रूविंग भी बता दूंगा, सर्कल में साथ देखा भी हो तो आपने बट चलेगा, जरूरत पड़ती नहीं है बहुत प्रूविंग इसमें। आप लोगों के पास एस एल लोनी है क्या कोऑर्डिनेट्स का? मैं सॉफ्ट कॉपी मैं शेयर कर देता हूं, वैसे हार्ड कॉपी रहे तो अच्छा है, 40-50 रुपए की बुक आती है ये। अगर हमने ढंग से मतलब इसमें जितना मैं बताऊंगा अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि आईआईटी कहीं भी उसके बाहर से, एडवांस की बात कर रहा हूँ ना, एडवांस में कहीं भी उसके बाहर से कभी भी क्वेश्चन आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है वो उतना। जितने अच्छे से एस एल लोनी बुक कोई आईआईटी के लिए नहीं लिखी हुई है, वो तो मैथ्स के लिए एक बुक उन्होंने लिखी, इतने अच्छे तरीके से लिखी हुई है बुक कि हर एक चीज उसमें कवर हो जाती है। एस एल लोनी राइट, नेक्स्ट सीओसी कॉड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉड ऑफ कॉन्टैक्ट, सर्कल में भी आपने देखा होगा हैश लगा दिया हूं, हर जगह पर यूज होना है राइट। कॉड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है क्या? ये एक मेरे पास पैराबोला है, मैंने कहीं बाहर का पॉइंट लिया, यहां से मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर डाले, राइट। जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ किए उस पेयर ऑफ टेंजेंट ने यहां पर कर्व को टच किया है, उन दोनों को मैंने मिला डाला राइट। मान लेता हूं ये पॉइंट जो गिवन है ये P है, लेट दिस इज एक्स वन वाई वन, ये कुछ भी मेरा A है और B है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू P जाता जो है ये होता है T इज इक्वल टू जीरो। T इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है लुक लाइक एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट एक्स वन वाई वन, मीन्स वाई वाई वन माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स वन इज इक्वल टू जीरो,
right? T is equal to zero. Scroll up. दोनों देखने आप please. इस पर अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे. COC पर क्वेश्चन फ्रेम होता है. नोट डाउन. Done. हो गया सभी का. Yes, sir. 30 more seconds. जो नहीं किए हो कर ले प्लीज. Let's see. First question. Line 3x plus y is equal to 6. Intersect the parabola y square is equal to 4x at A and B. Find the coordinates of the point of intersection of the tangents drawn at A and B. फिगर ड्रॉ करें. क्या बन रहा होगा ग्राफ एक ड्रॉ करें. अपने आप क्वेश्चन करीब करीब सॉल्व हो चुका होगा. थ्योरी को ध्यान दें. फिगर ड्रॉ करें.
वेरी गुड नमन. You've been very good. See, the parabola is given, and in this parabola, this is the line intersected 2 points, and tangents at this point and this point intersect each other at P, right? ये लाइन जो गिवन है वो है 3x plus y is equal to 6. ये पॉइंट मेरा x1 y1 अगर है तो वी नो दैट दिस इज वर्किंग एज COC, और COC का जो इक्वेशन होता है राइट, दिस इज फॉर y square is equal to 4ax is y y1 minus 2a x plus x1 is equal to 0. ये लाइन और ये लाइन सेम लाइन है राइट. So y y1 minus 2ax is equal to 2ax1. Compare करूं y plus 3x is equal to 6. So y1 by 1 is equal to a की value 1 है, minus 2 by 3 right is equals to 2x1 by 6. y1 की वैल्यू आ गई minus 2 by 3, x1 की वैल्यू आ गई minus 2. Is this okay? Yes. ये सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला हर जगह पर यही वर्किंग रहेगी. ख्याल रखना हर बार ये क्वेश्चन आपको फ्रेम होगा सर्कल से लेके हाइपरबोला तक. द सेम थिंग यू हैव टू डू. नोट डाउन प्लीज. Okay, done everyone. Done. किसी का बच्चा तो नहीं है. Done. Okay. Next. Next question. See carefully. Pair of tangents are drawn
to the parabola y square is equal to minus 4x. From every point, ये भी हर बार पूछा जाएगा, ध्यान से रखना ना, एवरी पॉइंट सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला हर एक में ऑन लाइन 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 प्रूव दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सीओसी पासेस थ्रू the fixed point. Find that point. Aska, very good. Yes, yes. Aman, very good.
केविन वेरी गुड. मैं स्टार्ट करूं सर? एक मिनट. यस वेरी गुड अमन. सी ये सर्कल में भी ख्याल है मेरे को कि कुछ लोगों को मैंने करवाया था. ये सेम क्वेश्चन बार बार आएगा बेटा, कोई नया चीज नहीं होने को है, राइट? अब यहां से मैंने कोई भी दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ जो कर रहा हूं वो किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन से जा रहा हूँ, इसी पर डिफरेंट पॉइंट्स के साथ में वी आर डूइंग दैट. एंड इससे जो हमारे पास वर्किंग हो रही है, ये जो बन रहा है, ये बहुत सारे डिफरेंट बनेंगे, वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, दैट वी हैव टू डू, राइट? सो ऑब्वियसली अगर हमें कभी भी प्रूव करना हो कि दिस पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, तो 100% हमारे पास जो बेस है वो है फैमिली ऑफ लाइन. फैमिली ऑफ लाइन को थोड़ा सा बेस बना के रखो, आराम से विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा होगा, राइट? क्या रहेगा. सो दिस वॉज गिवन 3x प्लस y इज इक्वल टू 2. इसे मैंने एज्यूम कर लिया अल्फा कॉमा बीटा. अल्फा कॉमा बीटा मस्ट सेटिस्फाई, राइट? और ये लाइन का इक्वेशन ऑब्वियसली बीटा वाई माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, राइट? मीन्स बीटा वाई प्लस 2x प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0. एंड बीटा या अल्फा में से किसी एक की वैल्यू बैठा देता हूं, चलो बीटा ही बैठा दिया हमने. 2 माइनस 3 अल्फा वाई प्लस 2x प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0. अल्फा के लिए हम लोग एक इक्वेशन लिख डालते हैं, 2y प्लस 2x प्लस अल्फा टाइम 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 0, राइट? तो ये आपके पास आ गया L1 प्लस अल्फा L2 इज इक्वल टू 0. L1 प्लस अल्फा L2 इज इक्वल टू 0 मींस दोनों को 0 कर दें, x प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 0. y और x दोनों की वैल्यू आ गई. यहां पर फिर से हैश लगा हुआ है, ख्याल रखना हर बार आपको यही क्वेश्चन कुछ कुछ घुमाने के साथ में मिलेगा. दिस ओके? पहले किया ये मेरे को याद आ रहा था. ठीक है, ओके, ठीक है ना. अब एक जल्दी से मैं ब्रीफ कर दूं आप लोगों को, जो आप लोगों ने अभी तक कोनिक पढ़ा. कोनिक सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था
याद होगा आपको कि अलग अलग तरीके से हम लोगों ने कोनिक किस तरह से फ्रेम होता है वो हम लोगों ने देखा था। इसमें पैराबोला से साथ मैंने इसमें स्टार्ट किया हूँ, बट इससे पहले हमारे पास कोनिक के कुछ और फंडामेंटल होते हैं, राइट। कोनिक में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास हो जाता था वन बी रिक्वायर्ड कि कोनिक सेक्शन में कोनिक होगा क्या, राइट। कौन से कोनिक की हम लोग बात कर रहे हैं, कौन से कोनिक की बात कर रहे हैं, मतलब अगर मेरे पास जनरल इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये कौन से कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद होगा सभी को, राइट। हमने अलग अलग लिया हुआ था एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच इज इक्वल टू जीरो, राइट, ए इज इक्वल टू बी, याद है? यस राइट। तो ये अर्न डेल डेल की वैल्यू डेल नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये पूरे के पूरे कोनिक था एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी पेयर ऑफ लाइन, या जो भी हमारे पास हाइपरबोला हो रहा था हाइपरबोला, लेस देन के लिए इलिप्स का केस था, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी के लिए पैराबोला का केस था, एच इज इक्वल टू जीरो सर्कल का केस था, राइट। एक तो ये तरीका था, दूसरा हम लोगों ने कोनिक देखा था एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई। इससे भी हम लोग कोनिक निकाल सकते हैं कब, जब एक फिक्स लाइन आपको गिवन हो और एक फिक्स पॉइंट गिवन हो, फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट गिवन हो, तो कोनिक का हम लोगों ने देखा था कैसे कोनिक निकाला जाता है, एस पी इज इक्वल टू पी एम ई टाइम्स दिया, स्क्वायर किया दोनों तरफ, तो विल गेट दैट। ख्याल है ये? यस यस राइट। तो ये भी एक आसान तरीका था ना, फिक्स पॉइंट दिया हुआ है तब। ये फिर हम लोगों ने इक्वेशन की बात की, इसमें फिर थर्ड हम लोगों ने देखा था पैरामेट्रिक फॉर्म, अगर याद हो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, इससे इक्वेशन फ्रेम करना है ना, वो भी हमारे पास था। फोर्थ अगर याद हो कि हमने एक बड़ा सा इक्वेशन दे दिया, यही जो इक्वेशन था हमारे पास, अब मैं इसका बोलूं कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस कोनिक, सेंटर होने का मतलब है कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन दोनों तरफ से किया, एक बार x एक बार y के लिए लिया, वो डायमीटर की इक्वेशन आते हैं, आपको पढ़ना नहीं होता, बट फिर भी डायमीटर की इक्वेशन आ गए, वहां से दोनों को सॉल्व करूंगा तो आई गेट द सेंटर ऑफ द कोनिक, राइट। वहां से सेंटर कोनिक का सेंटर अपने आप निकल के आ गया, राइट। फिर हम लोगों ने बेसिक पढ़ना शुरू किया पैराबोला के बारे में, कि पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स होता है, उसमें कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए कैपिटल x होता है, राइट। शिफ्टिंग वगैरह जो थी हम लोगों ने उन शिफ्टिंग को देखा कि राइट कैसे कैसे शिफ्टिंग को यूज किया जाए, वो सभी को इनमें कहीं पर दिक्कत नहीं होगी, राइट। इसी में हमने देखा कि इक्वेशन क्या होगा, तो पैरेलल टू x एक्सिस के लिए एंड पैरेलल टू y एक्सिस के लिए जो पैराबोला के इक्वेशन होते हैं वो इक्वेशन का हमने फॉर्मेशन रखा, राइट। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट सी बात ये थी कि अगर मैंने ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है और ये फोकस है, जेडा ये फोकस है, अब मैं बोलता हूं कि ये दोनों देने के बाद आपको पूछता हूं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, लेंथ ऑफ एल आर जो होगा बेटा इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे फिर इनटू टू कर लेंगे ये रखा। फिर उसके बाद हम लोग ये होने के बाद आ गए कि पॉइंट ऑन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द कर्व, राइट। ये पैराबोला था, पैराबोला के इनसाइड होगा ऑन द होगा या बाहर होगा, बाहर से दो टेंजेंट होंगे, इनसाइड सॉरी इनसाइड से एक भी नहीं होगा, ऑन द के लिए एक होंगे, तीनों के लिए अलग अलग इक्वेशन हमने देखा, राइट। बाहर के पॉइंट के लिए y इज इक्वल टू t पैरामीटर और ये दोनों पैरामीटर पर हमने काम किया, राइट। ख्याल रखने की बात ये है जिसमें दो बार मैंने देखा आपको कंफ्यूज हुए, प्लीज मत होना, अगर ये दो इक्वेशन गिवन है तो आप केवल इसका याद रखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, राइट।
और इसके लिए x और y को इंटरचेंज m की जगह 1 बाई एम, राइट, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों में ही वही काम करेगा, राइट, कोई नया काम आपको नहीं करना होगा, टेंजेंट नॉर्मल दोनों में ही वही काम करेगा, नॉर्मल का है तब भी, टेंजेंट का है तब भी, हाँ माइनस हुआ माइनस फोर एक्स तो ए की जगह माइनस ही ले लेना, ठीक है ना, यस, तो ए की जगह माइनस ही लेते ही वहां पर भी काम कर जाएगा आपको, राइट, तो ये एक हम लोगों ने अपना जो पूरा का पूरा वर्किंग जो रखा था वो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया, राइट। इसके अलावा कोई और जगह लगता हो आपको जिसको मेरे को आपको बताना होगा, क्योंकि अभी क्वेश्चंस तो यू नो क्वेश्चन तो ये एंडलेस थ्योरी है, वो तो हमेशा चलता ही जाएगा ना, एक्सेस पैरेलल टू एक्स एक्सेस वाई एक्सेस मैंने बता ही दिया है, उसका काम आपने कर ही लिया है, एक्सटीरियर इंटीरियर पॉइंट होगा उसका कंडीशन आप जानते ही हो, राइट, थोड़ा सा ये ख्याल रखना कि मैंने जो बोला सर्कल सर्कल और पैराबोला है उसके लिए वर्किंग कैसे होगी, हाँ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जब मैं कर रहा हूँ अभी और भी चीजें आएगी, अगर मैं एक पैराबोला दिया, राइट, सीओसी की ही बात चल रही, तो चलो एक छोटा सा ये रहा ए बी, राइट, यहां से मैंने सीओसी दिया होगा, ये एरिया अगर मैं पूछूं कितना बन रहा है तो कैसे निकालोगे, पी ए बी का एरिया, ये एक्स वन वाई वन है, पैराबोला मैंने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स लिया हुआ है, क्या कुछ आप लोग की तरफ से, ए बी को तो ढूंढ के निकाल ही सकते, बट मैं कुछ और सोच रहा हूँ, ए बी कैसे निकालोगे, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मतलब एक्स वन वाई वन दिया हुआ ना सर, हाँ तो सर एक इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ जाएगा, उधर से इंटरसेक्शन पॉइंट्स ढूंढने में तार होगा, इसको कोशिश करना हमेशा क्वाड्रेटिक से निकालने का, राइट, क्वाड्रेटिक से निकालने का मतलब ये जो क्वाड का इक्वेशन गिवन है ना, Yes, sir. चलो आगे डिटेल में करूंगा तब बताऊंगा, तो अभी हम लोगों को कुछ पॉइंट्स हमारे हैं जो हम लोग को देखने हैं, जैसे मैंने यहाँ तक अभी आपको कॉर्ड तक किया, आप क्वेश्चन यहीं से आएंगे जितना आपने किया है, आप जो भी है इसी के रिवीजन भी करते हो तो काफी है जितना नोट्स पे हम लोग जा रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने किया सीओसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हमने किया, इसके बाद इसी में अगर आप याद हो तो सर्कल में भी आपने किया हुआ है, ये कर्व गिवन है, राइट, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड गिवन है, याद करो तो क्या था इक्वेशन, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड गिवन है, देन व्हाट वाज द इक्वेशन, क्या इक्वेशन था, कोई भी याद होगा, कोशिश करो ऐसे भूलोगे तो हुआ, कॉर्ड विथ अ गिवन मिडिल पॉइंट कुछ था नहीं, एस वन इज इक्वल टू टी, हाँ ये सब सिंबॉलिक होता है, एस वन का मतलब हो गया वाई वन स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन, t का मतलब होता है लुक लाइक एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y y1 माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स वन, t इज इक्वल टू एस वन, राइट, तो अभी है हम लोग को थोड़ा एनवेलप वगैरह भी पढ़ना है, कॉलम एनवेलप वगैरह होते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं इतना ही रखना चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि कुछ डाउट्स वगैरह या एग्जामिनेशन के लिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लें, हाँ तो आसान पड़ेगा आप लोगों को भी,
स्ट्रेटजी सबसे पहली बात होगी ना, क्या स्ट्रेटजी आप बना के रखते हो। आप में से कोई अगर डिस्कस करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। टॉपिक आपका मैथ्स में है डिटरमिनेंट एंड एसओटी एंड पैराबोला, यही है ना तीन? यस सर। ठीक है, यस। पैराबोला सर्कल ये वगैरह सेम चीज होते हैं तो चलेगा ना। तो पैराबोला में जितनी थ्योरी और जितनी काम आपने किया है दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू, आराम से काम निकलेगा। डिटरमिनेंट में हमेशा अपने बेसिक इंस्ट्रक्ट का ध्यान रखना, बहुत बार एन की वैल्यूज रख के या सिमेट्रिसिटी को थोड़ा सा देख के ना आप आंसर निकाल सकते हो। एसओटी जब है तो एसओटी में अगर आपको दिक्कत फंस रहा हो तो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल को याद रखो ना। एक पर्टिकुलर केस लो, वहां से आपको आंसर ही अगर एबीसीडी में पिक करना हो ना, एबीसीडी में आंसर पिक करना हो तो हमेशा काम करेगा। जहां भी थोड़ा सा आपको लग रहा हो पहले तो कोशिश क्या करेंगे कि पहले तो तुरंत के तुरंत अपना पैराबोला एंड इधर वाले क्वेश्चन कर लेंगे कंप्लीट। उसके बाद जो भी क्वेश्चन फंसे हैं या नहीं है वो अपने पेज में लिख के रखना, ये क्वेश्चन मेरे को फिर से अटेम्प्ट करना है, राइट। एंड फिर जब एग्जाम हो जाए तो फिर उस पे जब आपके पास टाइम बचे 1 आवर 10 मिनट्स आपको देना है मैथ्स में, ठीक है ना? यस यस। 1 आवर 10 मिनट्स आपको देना है मैथ्स में, राइट। एंड ऑर्डर क्या रखें आप एग्जाम देते वक्त, तो ऑर्डर ये रखें जिसमें आपको सबसे अधिक ये कंफर्टेबल फील करते हो, लगता है याद वाली चीजें निकल जाएगी, जिसमें केमिस्ट्री होता है, राइट। यूजुअली तो सर इस बार तो केमिस्ट्री में पूरा थियरी है सर, थियोरी है सर। तो थ्योरी वाली जो है ना बेटा एकदम कोशिश करना तुरंत के तुरंत निकाले। एंड अभी आपके पास आज से कल तक का समय है ना, तो उसमें कोशिश करो कि जितनी भी थ्योरी वाली चीज है जो भी याद करने का उसका एक एक कार्ड वगैरह बना लो, कार्ड्स वगैरह बना के और सबको रखे रहो, राइट। मैं चीटिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ एग्जाम के समय निकालना, ये नहीं बोल रहा हूँ, तो दिमाग में वो आना आसान रहेगा आपको, राइट। तो वो एक कार्ड वगैरह बना के रखो एंड 40 मिनट से ऊपर आपको केमिस्ट्री को नहीं देना है। जबरदस्ती का ओवर थिंकिंग का कोई मतलब नहीं होता, राइट। 40 मिनट इज फिक्स, राइट। 1 आवर इज फिक्स फॉर फिजिक्स एंड 1 आवर 10 मिनट फॉर मैथमेटिक्स। जो टाइम आखिरी में बच जाएगा, जो भी नहीं हुआ या जिसको भी आपको लगता है अटेम्प्ट कर सकते हैं उस पर जाएंगे, ठीक। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में मैं केमिस्ट्री को पहले रखने बोलता हूँ, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में आप जो भी चाहें सेकंड में आप चूज कर सकते हैं, ठीक है? Yes. Anyone want to ask anything? कुछ और पूछना चाहोगे? No. No.